हे गाइस, तो आज हम फाइनली अनबॉक्सिंग करने वाले सोनी पीएस वीटा को, जो मैंने OLX.com से ख़रीदा है। मुझे तकरीबन 5,200 रुपये का मिला है। अगर आप इसे न्यू मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको तकरीबन 18,000 का मिल जाएगा, और कहीं कहीं 16,000 का भी बिक रहा है नया। तो अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको 20,000 का मिलेगा, और ऑफलाइन लोगे ना तो 16,000 तक के मिल जाएगा नया। बट मैंने ये सेकेंड हैंड लिया OLX से, तो आप बॉक्स की कंडीशन देख सकते हैं, एकदम थोड़े बहुत फटा हुआ है बॉक्स, बट फिर भी अच्छी कंडीशन में कि अनबॉक्सिंग उसकी करी जा सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वारंटी कार्ड का स्टिकर लगा हुआ है, और पीछे की बात करिए तो यहाँ पर काफ़ी सारा पीएस वीटा के बारे में लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। और आप देख सकते हो इसकी प्राइसिंग, इस पर करीब 20,000 रुपीज़ की प्राइस लिखी हुई है, बट मुझे ये 5,200 में ही मिल गया था। तो आप देख सकते हैं तकरीबन मुझे OLX पर आधे का आधा दाम मिला है। और इसकी अगर हम अपन कुछ फ़ीचर की बात करिए तो इसके अंदर आपको कैमरा वगैरह मिल जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे ये। और मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो मेरे कने सारी एक्सेसरीज है, लाइक चार्जर भी दिया ओरिजिनल सोनी का। और अब मैं आपको पीएस वीटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी स्क्रीन है ना, जो ये OLED वाला है, क्योंकि मैंने फर्स्ट मॉडल था, ये फर्स्ट वाला मॉडल है। इसके अंदर दो मॉडल आते हैं, जिसके अंदर एक LED स्क्रीन वाला होता है, वो सेकेंड मॉडल है, बट ये फर्स्ट मॉडल है। इसके अंदर आपको OLED स्क्रीन मिल जाती है, प्लस इसके अंदर आप 3G सिम भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी पीएस वीटा उन सबका जेल ब्रेक आ चुका है, तो आप जाके आराम से करवा सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है गेम्स ख़रीदने का, तो आप जेल ब्रेक भी करवा सकते हैं। और इसके पीछे की बात करिए तो यहाँ पर एक कैमरा दिया गया है, जो तकरीबन 5 मेगापिक्सल का है। और पीछे टच पैड दिया गया है, जो काफ़ी सारे गेम्स में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पे दो जॉयस्टिक दी गई है, और नीचे की बात करें यहाँ पे एक चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है, और इसके अंदर एक 3.5 mm का जैक लग जाता है। और ऊपर की बात करिए तो ऊपर आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा फोकस कर दूं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप के बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन के, यहाँ पे पावर का बटन मिल जाता है आपको। और यहाँ पे आप अपना गेम कार्ड लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखा दूं। और उसी के बाजू में आप अपना सिम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए मेरा अनचार्टेड का गेम कार्ड है, जो मैंने OLX से लिया था। अगेन, मैं सारी चीज़ें OLX से ही खरीदता हूँ, तो मैं इसे वापस डाल सकता हूँ। अगर आप देखिए तो ये बार बार बाउंस हो रही है, तो अगर आप इसको ढंग से नहीं डालोगे तो इसका मैकेनिज्म ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे और चीज़ों की अपन बात कर ले तो मुझे क्या क्या मिला इसके साथ, मैं बता दूँ। इसके साथ मुझे काफ़ी सारे मैनुअल्स मिले हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे मैनुअल मिले, जैसे कि प्ले स्टोर नेटवर्क का मैनुअल है। मेरे को तो लगता है उस सेलर के कने जिससे मैंने लिया, उसके कने दो पीएस वीटा होंगे, तो उन्हें दूसरा पीएस वीटा का भी सारा पेपर वर्क इसके अंदर भर दिया है। तो भाई काफ़ी सारे पेपर वर्क था इसके अंदर। और मेरे को इसके अंदर, मैं बता दूँ, मेरे को चार्जर भी सोनी का ओरिजिनल मिला है। अगर आप पीएस वीटा बाय करना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप OLX से लीजिए। अगर आप नया लोगे ना तो तकरीबन 20,000 का मिलेगा नया ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन भी जाओगे ना तो तकरीबन आपको 16,000 का मिलेगा। तो आप ऑफलाइन अगर आप लेंगे ना, तो आपका बजट अगर कम है तो सेकेंड हैंड लेने में भला ही है, पैसे भी आप बर्बाद कर दोगे, तो इसलिए आप सेकेंड हैंड ही लीजिए। मैं आपको बता दूँ, जिसके अंदर दो मॉडल आते हैं, एक स्लिम आता है और एक फैट आता है। मेरे कहने फैट वाला मॉडल है, जो स्लिम वाला मॉडल आता है उसके अंदर 1 GB के इंटरनल मेमोरी भी आती है। और जो ये फिट वाला मॉडल है, इसके अंदर इंटरनल मेमोरी नहीं है। आपको इसके अंदर अगर गेम खेलना है तो अपन को अलग से कार्ड डालना पड़ेगा, मेमोरी कार्ड। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर 4 GB से लेके 128 GB तक का मेमोरी कार्ड आता है। जो 128 GB का मेमोरी कार्ड है वो खाली जापान में मिलता है। अगर इंडिया की बात करिए तो 64 GB का ही अवेलेबल है इंडिया में। और आप देख सकते हैं, मैंने अनचार्टेड गोल्डन एम्बेस चालू कर दिया। इसको शायद आपको दिख नहीं रहूँगा कैमरा में इतने अच्छे से, क्योंकि यार धूप बहुत ज़्यादा है और मेरा कैमरा भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अब अगर मैं आपको सजेशन दूँ आप कौन सा पीएस वीटा ले, तो आप यही वाला लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी